अगम। किसको बना रहे मुख्यमंत्री? साइकिल को। ठेक। अच्छा आराती? नहीं, नो। भाजपा सरकार में कुछ नहीं हुआ। भाजपा सरकार को जब पता था कि यूपी का इलेक्शन आना है, तब ये जो कानून वापस लेकर बैठ गए। हमारे इतने किसान भाई मरवा दिए, जितने भाई किसान वहाँ मरे उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं। इतनी महंगाई कर दी, महंगाई देख लो कितनी होगी। फसल हमारी बिक नहीं रही, फसल बिक्री जो फसल हमारी सरकारी रेट है, हमें जब से मोदी की सरकार बनी अब तक सरकारी रेट नहीं मिला। हाँ बना, वो तो कहीं नहीं, फसल बिकी नहीं रही हमारी, फसल तो हमारी जा नहीं रही। हरियाणा में भी मुकरते हैं वादा करके ये नहीं सरकार बनेगी, ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तेल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने। सिरसों का तेल 100 रुपये था, 200 रुपये बिक रहा है अब तो। ये भाई साहब, ये सरकार बहुत माड़ी सरकार है। अब तो जी भाजपा के खिलाफ है, हमें भाजपा रानी है चाहिए, हमें कोई सी भी जितानी पड़े भाजपा रहेंगे हम। 1000 रुपये दे रही है, 1000 रुपये मजदूर के। 2000 रुपये दे किसी के, ना मेरी पिल्सन है किसी की। हाँ नहीं, हमें चाहते भी नहीं आ रहे। हाँ नहीं जी, मेरा मकान नहीं बना दे। और चमार जाकत हूँ मैं, चमार का हूँ जाकत मैं, देता नहीं वोट उसका, अगले से दुमा वोट अपनी। कीरत सिंह की बात यह है जी, 225 मीटर रास्ता शमशान घाट का है, बाजीपुर में मुर्दा ऊपर से नीचे गिर जा, ये होगा सबका साथ और सबका विकास। और बस टंगरों इतने परेशान है, इससे अच्छा तो हम ही मर जाते जो डंगरों ने कर रखा। जो नौमान पे जागे ना, लगभग 10,000 वोट जागे SC समाज की, बाकी जो वोट है वो जागे आजाद समाज पार्टी पे। उस चीज से इफेक्ट पड़ रहा है नौमान पे, इसलिए टक्कर में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो मोमडन वोट था वो भी समाजवादी की तरफ रुक कर रहा है। तो मेरी जड़ काट रहा इब कहीं राशन देगा फिर में 10 दिन हटके बढ़ने के बाद फिर हटके मारे कुटी मारेगा टांगो भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार, में हूँ आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम गुंगू विधानसभा के ग्राम राजपुर लतीपुर के डेरे पे पहुँचे हैं, जहाँ पे हमारे साथ में युवा हैं, बुजुर्ग हैं, जिनसे पूछेंगे कि इस बार गुंगू विधानसभा क्या रुझान है और उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में किसको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम यहाँ पहुँचे हैं, किसान लोग हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे कि इस बार किसान का रुझान क्या रहेगा, किसको वोट देंगे और यहाँ से किसको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। सबसे पहले हमारे ताऊ जी इनसे बात करेंगे। ताऊ जी आपका क्या नाम है? सिंदर सिंह। ये बताइए कि अब की बार गुंगू विधानसभा में किसको विधायक बना रहे हैं आप, किसको वोट देंगे? अजय जी सामू की पता चल रही है, वोट हमें देनी देने लगे। अच्छा ये बताइए, बसपा से नौमान मसूद भी हैं, हाथी से फूल से किरत सिंह भी है भाजपा सरकार से, और गठबंधन प्रत्याशी हैं चौधरी इंदर सेन जी, तो इन तीनों में किसको वोट दे रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? बाजी देने देने वोट, ये कोई पता नहीं किधर जाना है। बताए मुख्यमंत्री किसे बना रहे? वो मुख्यमंत्री कलेश को। बताए भाजपा सरकार से आपको कोई फायदा हुआ? जे राशन दे रही तो 1000 रुपये किसानों को दे, मिल रहा कि नहीं? इनको तो गोली मारो सर, गोली मारो इनका तो। अगले युवा है इनसे बात करेंगे। गुरमीत सिंह है। ये बताइए आपकी बार गुंगू विधानसभा में युवाओं का क्या रुझान है? रुझान तो ये है जी, कोई सी सरकार है जो काम किसी सरकार ने नहीं किया। हमारी सड़क ये है, मान लो जब से हमारे इसमें हमने अपने आप मिट्टी मुट्टी लिया गया रोड अपने घर से जो निकाल ली थी उसकी व्यवस्था करवाई, कच्चा रास्ता है, बुरा हाल है। कोई सी सरकार है जो जब इलेक्शन हो वोट मांगने के लिए आ जाए, ऐसा कोई आता नहीं यहाँ से। किसी को वोट तो देंगे ही? हाँ वोट तो साइकिल इंदर सेन को जाओगी जी। बताइए भाजपा सरकार दावे कर रही है हमने। भाजपा सरकार में कुछ नहीं हुआ। भाजपा सरकार को जब पता था कि यूपी का इलेक्शन आना है, तब ये जो कानून वापस लेकर बैठ गए। हमारे इतने किसान भाई मरवा दिए, जितने भाई किसान वहाँ मरे उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो बताओ उनका जवाब कौन देगा? अब जब इलेक्शन था तो तब सरकार ने वापस ले लिया कानून। ये बछड़े इतने घूमते फिरे, इनके सारे गेहूँ के इन्होंने ऐसी ऐसी करके रही, रात तो इन्हें भगाते फिरो, चोरी यहाँ हो रही, घरों में से बाइक उठा लिया। बताओ 26 तारीख में से हमारे बरामदे में से मोटरसाइकिल उठा लिया सही यहीं से ही। पता है भाजपा सरकार ये कहती है कि हमने राशन दिया, 2000 रुपये सम्मान निधि योजना दे रहे किसानों को और युवाओं को रोजगार दे रहे, तो क्या मिल रहा है? बात बताओ मुझे, एक आदमी था मैं भेड़ चुग रही थी तो उसको कहने लगा कि मैं भेड़ को 70 कंबल दूंगा जी, 70 भेड़ थी, मैं 1 कंबल सबको फ्री दूंगा। तो वो भेड़ों ने सोचा कि वो कंबल आवे कहाँ से, आप बताओ कहाँ से आए कंबल, तो जो उनकी खाल है वो उन्हीं के तो कंबल बनेंगे। अब वही काम ये सरकार का है, अब जो राशन जा रहा है वो कहाँ से जा रहा, उतनी महंगाई कर दी, महंगाई देख लो कितनी होगी। फसल हमारी बिक नहीं रही,
फसल बिक्री, जो फसल हमारी सरकारी रेट है, हमें जब से मोदी की सरकार बनी अब तक सरकारी रेट नहीं मिला। हमारी फसल बरान हुई, हम जमुना के पुल पर गए, वहाँ पुलिस वाले ने रोक लिया, एक अगर जो पैसे दे रहा है उसकी ट्राली जा रही, हम वहाँ रातों परेशान हो रहे। बदलाव की सरकार, हाँ बदलाव की सरकार है जी, बिल्कुल। कौन आ रहे 2022? 2022 में अखिलेश की लाएंगे जी, बिल्कुल। भाई साहब से बात करें जी, भाई साहब का क्या नाम है? रणजीत सिंह है जी। ये बताइए आपकी बार किसका रुझान है गुंगो विधानसभा 2022 के उत्तर प्रदेश में? आपके इंद्र सैन को वोट जाएंगे जी सारे। मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे। योगी आदित्यनाथ अपना दावा कर रहे हैं कि मैं 300 सीटें जीत के फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, क्या लगता है? नहीं जी, बिल्कुल खत्म है काम, ये तो इनका कभी भी सरकार नहीं आएगी अटके। हम किसानों की अगर बात करते हैं, MSP पे उन्होंने वादा किया था कानून बनाने का, वो बनाया नहीं, तो क्या रहेगा अभी? कहाँ बना, वो तो कहीं नहीं, फसल बिकी नहीं रही हमारी, फसल तो हमारी जा नहीं रही हरियाणा में भी, मुकरते हैं वादा करके, ये नहीं सरकार बनेगी। बताइए 3 काले कानून वापिस कर दिए, तो क्या नाराजगी है अभी किसानों इस बात पर? 3 काले कानून जो उनसे वापिस हुए वो कई महीने बाद हुए, कितने किसान मरे हैं उसमें, और फिर वो वापस हुए इलेक्शन के टाइम पे, तो इसमें इनका बहुत ही मड़ा वो है, योगदान नहीं है सही, ना कोई सरकार बढ़िया बनी है, ना ही कोई काम इसने किया है, यह झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तेल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने, सिरसों का तेल 100 रुपये था, 200 रुपये बिक रहा है अब, तो ये भाई साहब ये सरकार बहुत माड़ी सरकार है। फसल खा गए गाय बछड़े, हमारे पास कुछ नहीं बचा। ये बताइए कि अब की बार किन मुद्दों का, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव? मुद्दे यही हैं, महंगाई एक तो कम होगी, और भाई ये गाय बछड़े इनका कुछ समाधान हो, और ये रेट फसल से बिके, MSP जारी हो UP में भी, तब तो है कुछ सुधार। किसे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे, और इंद्र सैन को वोट दिए जाएंगे। राव जी हमारे इनसे बात करते हैं जी, आपका नाम क्या है? हरजीत सिंह भाई। किसको वोट जा रहा है आपकी बार तुम्हारा? इंद्र सैन को। बसपा से नुमान मसूद भी चुनाव लड़ रहे हैं आते से, और भाजपा के किरत सिंह भी है, पहले भी विधायक रहे फिर दोबारा विधायक बनने की तैयारी कर। ये किरत सिंह पहले भी आए थे, कहते ये सड़क बनवाएंगे, उसके बाद कहेंगे कह रहे आवेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई सी नहीं आके बात नहीं ली हमारी, वोट के लिए आ जाते हैं लारा लगा के। हमें जब 25 साल हो गए, हमने खुद अपने हाथ से अपना पत्थर गेट के ईंट बनवाया, सड़क बनवाई है, कोई नहीं आग नहीं देखता यहाँ पे। भाजपा सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, में हमने राशन दिया फ्री दे रहे, 2000 रुपये मिल रहे किसानों को, क्या लगता है मिल रहा है कि कुछ? 20 किलो राशन 400 का हो गया, मानते हो ना, ते मारे जो 2000 को गेहूँ बिकनी थी मारी 1600 को बिकी, या डंडे पड़े हमें जमुना के पुल पे जाके पता कर लो, पेड़ फूक के आए और लुक के हमें बेचे, जैसे इससे बढ़िया तो हम डोडो की ब्लैक कर ले वो बढ़िया है। क्यों ऐसा क्यों है तुम्हारा, क्या इस सरकार की वजह से? भाजपा की बार किसानों में खासी नाराजगी देखी जा रही सरकार के प्रति, क्या तो यही है जी, मारी फसल कहीं भी हो MSP में बिके यहाँ बिक जाए, हमें कुछ राज नहीं। MSP में वादा किया था सरकार ने लेकिन बना नहीं, आपको कुछ नहीं है ना वादा। 30 तारीख का ऐलान किया हुआ है राकेश टिकैत ने आंदोलन का, फिर से क्या रहेगा? देखो जी होगा तो ठीक है, MSP बनेगी तो ठीक है, नहीं तो भाजपा तो आनी नहीं चाहिए बस। इसे मुख्यमंत्री बना अखिलेश यादव को। युवा है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे जी। भाई साहब का क्या नाम है? अमरजीत है जी। किसको मुख्यमंत्री बना रहे और गुंगो विधानसभा किसको विधायक बनाए? हम तो सच पूछो तो पहले तो मेरा ये मुद्दा है, ये मेरी बाइक उठी घर से ही, जिसे कहते चोरी बंद हो गई, ये तो एक बाइक उठी मेरी 26 जनवरी को। मैं इनसे कहेंगे कि इनसे फोकस किया जाए, तो बाइक उठी और 27 को मेरी मोटर खुली, तो कहते हैं चोरी बंद होगी, चोरी कहाँ से बंद होगी, ये चोरी तो चली रही है पूरी, तो सरकार इस मोदी सरकार तो आनी नहीं चाहिए, मोदी सरकार आएगी तो ये फिर वही फंडा फिर शुरू हो जाएगा। फंडा शुरू फंडा ही चल रहा है ये सारे का सारा, कभी धक्का चल रहा है, ये 2000 दे रहे हैं, 2000 बंद कर दो हमें, लेकिन हमारी कम से कम हमारी जो फसल है हमारी पूरी रेट मिलनी चाहिए, हमें 2000 से क्या लेना, हमें 2000 से हमारा गुजारा तो नहीं हो रहा। बताइए भाजपा सरकार ये कहती है कि युवाओं को रोजगार दिया, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, लगता है कुछ? नहीं जी हमें क्या रोजगार है, कुछ भी नहीं मिला, खेती वाले आदमी है, क्या मिला जी हमें कुछ भी, मैं बलकर अपनी बाइक भी चोरी करवा ली, मोटर चोरी होगी, होरिशों पर क्या, बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे? किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? मुख्यमंत्री बनाएंगे अखिलेश को।
जी बताइए, योगी आदित्यनाथ अपना दावा कर रहे हैं कि मैं दोबारा फिर मुख्यमंत्री बन के आ रहा हूँ, क्या लगता है? दोबारा कैसे बनेगा? बात सुनो, बच्चे थे स्कूल लगे, उनके बच्चों के स्कूल लगे, पांच दिन चल गए, उसके बाद स्कूल बंद हो गए, बच्चों वहीं के वहीं फिर खत्म, ठप हो गए बच्चे, हट के पांच दिन फिर स्कूल चुका दे, महीने की फीस दे ली, उसके बाद बच्चे फिर बंद, फिर ये तो बच्चों को माइंड को बिल्कुल खत्म करने सोच रहे हैं बच्चों को, भाई ये अनपढ़ देश हो जाएगा, हमारा जो देश है हमारा अपना काम करेगा, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? किस ये बताइए कि बसपा से नुमान मसूद हैं, 1 लाख पार का नारा लगा रहे हैं विधानसभा से, और किरत सिंह भी लड़ रहे हैं, पहले विधायक रहे, क्या लगता है आपकी बार क्या रहने वाला? अब तो जी भाजपा के खिलाफ है, हमें भाजपा रानी है, चाहे हमें कोई सी भी जितानी पड़े भाजपा रहेंगे हम। भाई साहब इनसे बात करते हैं जी, आपका क्या नाम? शैलेश कुमार है जी। क्या रुझान है आपकी बार गोंगे विधानसभा का? मत मजदूर हो जी, मतलब पूछ लो सरदार जी, खड़े में लगा सर यहाँ से। हाँ जी, मेरा मकान बड़ी टूटी पड़ी सारी, मकान पूछ लेते सर, पूछ लेते सर। हाँ जी, और आलम कान नहीं बने मेरे अलग जी। किसको जिता रहे हैं यहाँ से? अगले सर जगह भी पता, अब किरत सिंह कह रहे हैं मैं जीत रहा, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे अगले सर, अगले जी को तो सरकार ये कह रही है राशन नहीं मिल रहा, देखे तुम ना राशन मिल रहा होता ना, अल आराम लोगों ने आराम आराम खा लो, फिर मैं जाऊँ फिर तेरा हाँ नहीं, हाँ मुझे मिल रहा तुमने 2000 रुपये दे रही है, 1000 रुपये मजदूर के 2000 रुपये दे किसी के ना, मेरी पिल्सन है किसी की, हाँ नहीं हम चाहते भी नहीं आ रहे, हाँ नहीं जी मेरा मकान नहीं बना, सब सर खड़े हैं जी, सब बट के चलो, कोई दिक्कत नहीं ऐसी बात की, सब कहते हो सर तरह में जी। मुख्यमंत्री के सब अगले से मिलाऊंगी को जी, दावा कर रहे 1 लाख पार का नारा लगा, मैं जमा जा कर दूँ अगले मोदी माता वैसे वोट देता नहीं, हाँ मायावती दे वोट, हाँ देता नहीं मायावती दे वोट, नाराज की क्यों है? और जमा जा कर दूँ मैं, जमा कहूँ जा कर मैं देता नहीं वोट इसका, अगले से दूँ वोट अपनी, नाराज की है की बार क्या है, क्या कर रहा मर रहे मेरे से अपने राज में, हाँ नहीं तो क्या कर रहा मेरे राज में, यहाँ से मकान बनाया क्या अपना हमने, मेरे रस्ते बनाए क्या खराब ना, नल वटवा क्या खराब, हम भूखे मरा पानी तब तक सत्तर से अपने, है नहीं जी, हाँ आपकी बात कैसे मुख्यमंत्री? गरीब आदमी हूँ तो, मतलब गरीब हूँ तो पूछे भाई साहब तो, मतलब गरीब आदमी मैं रोटी मांग मैं खाऊँ, बताए पूछो गड़े भाई साहब मेरे यहाँ से। सरकार ये कह रही कि हम 4 राशन भी दे रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा, नहीं राशन मिल रहा क्या राशन नीचे भी दबका मरेगा मकान ना मैंने मैं, मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री जी मेरे बच्चे मर जाएंगे फिर राशन जा रहा हूँ, हाँ जी मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश मनगा जी का जी। आपका नाम? अमरीक सिंह। ये बताइए आपकी बार क्या रुझान है गुंगो विधानसभा से? साइकिल का रुझान है ज्यादा यहाँ तो। तो प्रत्याशी हो रहे हैं बसपा से नुमान मसूद हैं और किरत सिंह भी है, पहले भी 2.5 साल का कार्यकाल कर चुके, कोई फायदा हुआ? ये भाजपा 2.5 साल जो उनसे कर गई यहाँ तक तो कुछ दिया नहीं उसने, यहाँ तो बहुत साइकिल पे जाएंगे सब वोट। ये भाजपा सरकार ये कहती है कि किसानों के हितैषी हैं और किसानों को 2000 रुपये दे रहे, राशन फ्री दे रहे, मिला कि नहीं, क्या फायदा हो रहा? नहीं राशन तो दे रही है, एक दड़ी में क्या कितने दिन लिगट जाएंगे, 3 दिन में खा लेंगे, एक आदमी 3-4 दिन में खा लेगा, बाकी तो फिर अपने घर से ही खाएगा वो। पेंशन वगैरह दे रही है एक मारे पूरे डेरे में एक आदमी की भी नहीं है, 80-80 साल के मारे बुजुर्ग बैठे यहाँ, किसी की पेंशन नहीं है। सबका साथ सबका विकास किस दावा करती है, क्या लगता है? कोटा जी लेने जा मैं वहाँ अंगूठा लगा, मैं कहते सारा अंगूठा चलता नहीं, फिर वापस तेल फूक के घर आ जा, 10 किलोमीटर जाना पड़ा कोटा लेने में। कितनी दूर है यहाँ से? सड़क है, सड़कों जाएंगे तो 10 किलोमीटर पड़ता है पूरा। इतनी मतलब आपने जो भाजपा किरत सिंह है उनसे अपनी शिकायत नहीं रखी इस बात? जब कोई यहाँ आता ही नहीं किसको रखे शिकायत, ना उसका कोई चमचा है यहाँ, वोट लेने भी नहीं आए, वोट एक दिन आए थे हमने जवाब दे दिया क्लियर। आपकी बार वोट लेने आएंगे क्या? बस उसको जवाब ही है क्लियर। कौन जिताएंगे? अखिलेश को। भाई साहब गुंग विधानसभा क्या रुझान है और आपकी बार किसको वोट जा रहा? इंदर सैन सैगल को। भाजपा से किरत सिंह भी तो विधायक हैं और भाजपा की नीति लेके जा रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दिया, 2000 रुपये भी दिए और राशन भी दे रही है, क्या लगता है मिला क्यों? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। सबका साथ सबके विकास के दावे करते हैं, क्या लगता है ऐसा है? ना कुछ नहीं, अब के बाहर उनकी सरकार में इसको मुख्यमंत्री बना अगर अपना इंदर सैन अगले इसको मुख्यमंत्री।
नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। में हूँ आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम खड़े हैं गुंगो विधानसभा के ग्राम हैदरपुर के अंदर, जहाँ पे हम लोगों का रुझान लेने के लिए पहुँचे हैं कि गुंगो विधानसभा पे आपकी बात क्या मोड़ रहने वाला है, क्या समीकरण है और यहाँ से किसको जिताने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग बने हैं इनसे जानेंगे कि यहाँ इस गाँव का क्या रुझान रहने वाले हैं और किसको जिताने का काम करें। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? कुमार जी। ये बताओ, उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? अखिलेश को। और गुंगो विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ से चार प्रत्याशी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन से इंदर सेन हो गए और आपका बसपा से नौमान मसूद है, भोल से किरत सिंह है, पहले भी विधायक रह चुके हैं, और कांग्रेस से अशोक सैनी भी आ गए। तो किसे विधायक बना? चौधरी इंदर सेन को। आज हत्ती 1 लाख पार का दावा कर रहा है अपने, क्या रहेगा? बड़े करो, उसके दावे तो नहीं होता कुछ भी। क्या कारण है कि बस साइकिल पर सवार हो रहे हैं आपके समाज के लोग? भाई सरकार बनने को जा रही है इसकी, इस वजह तो हो रही है। भाजपा सरकार राशन भी दे रही है, 2000 रुपए भी दे रही है, 1000 रुपए श्रम दे रहे। बछड़े छोड़ रखे गाँव में, गए छोड़ रखी, खेतों का नुकसान इतना हो गया बहुत बुरा, किसी ने कोई रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा। समाजवादी पेंशन आकृति में पेंशन भी कटवा दी, बिल बिजली के दुगने कर रखे, कोई फायदा नहीं हो रहा। बताइए महंगाई को किस तरीके से देख रहे हैं? महंगाई इतनी होगी कि गरीब आदमी सब्जी छोड़ ला देसी तेल में, ये वो सब्जी भी नहीं छोड़ कर खाता है, वो बिगड़ चुकी खा रहा। तो अब की बार किसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं? अखिलेश को। ठीक है अखिलेश, किसको जिता रहे अपने गुंगो विधानसभा से? अखिलेश को। अखिलेश को, लेकिन यहाँ से बसपा से नौमान मसूद है, वो ये कह रहे हैं कि 1 लाख पार अब की बार, और फूल से किरत सिंह भी है, वो क्या रहेगा? किरत सिंह की बात यह है, 225 मीटर रास्ता शमशान घाट का है, बाजी पर मुर्दा ऊपर तो नीचे गिर जा, ये होगा सबका साथ और सबका विकास। और बछड़े और गाय रातों पिटें, उनकी टांगा तोड़ें लोग, वो मर जा फांसी भी लेके मर जा पेडों के लोग चढ़े, और बस डंगरों तेने परेशान है, इससे अच्छा तो हम ही मर जाते जो डंगरों ने कर रखा। के लिए तो गौशाला बनवा रखी ना भाजपा सरकार ने? गौशाला कहाँ बन रही जी, हमारे यहाँ तो 400 बीघे जंगल पड़े आज गौशाला का नाम का, उसकी तार बाट तक भी नहीं हुई आज तक, उसमें फसल बोई हुई है। अच्छा बताइए, यहाँ इस गांव का रुझान क्या है कि बसपा भी 1 लाख का दावा कर रहे हैं नौमान मसूद, और गठबंधन प्रत्याशी हैं इंदर सेन जी, उनका क्या रहेगा? ऐसा है जी, इंदर सेन ने तो सारी जिंदगी से गाँव का काम करा, और आगे भी करेंगे, और गरीबों की बात भी सुनेंगे, जब उनके पास सत्ता ही नहीं अब तक तो क्या करते, जब सत्ता आ जाएगी सब कुछ करेंगे। इसे विधायक बना इंदर सेन को। जी मतलब भाजपा सरकार जो राशन दे रही है 2000 रुपए, श्रम कार्ड का 1000 रुपए मिल रहा है कि नहीं? उस राशन को वापसी ले लो, हम लेते नहीं। ते 2000 का नाज 1300 में बिके। जी बताइए, तुम्हारे गांव में किसान है? हम किसान ही हैं सारे। अच्छा ये बताइए, किसानों क्या रुझान है? किसानों में कोई नाराजगी है कि अभी? सारे किसान नाराज हैं, सारे किसान सभी नाराज हैं। अगले साथी से बात करते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम, किसको जिता रहे गुंगो सब की बात? समाजवादी पार्टी ने जी। बसपा से नौमान मसूद भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं अपने 1 लाख पार का। किरत सिंह भी हैं भाजपा से, वो भी अपना दावा कर रहे हैं, कौन रहेगा आपकी बात? इंदर सेन जी रहेंगे जी। भाजपा के किरत सिंह ये कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास करा, 2000 रुपए किसानों के दिए, राशन दिया, मिला? मिले नहीं जी, हमें नहीं मिला, एक रफा भी हमें मिला ही नहीं जी आज तक भी, बकावा है। अच्छा ना जो दे रहे कोटे में, इसका मर बताऊंगा, काट रहे हैं डबल, काट रहे 1600-1500 के भाव में बेच रहे, तो ये तो मेरी जड़ काट रहा, इब कही राशन दे के फ्री में 10 दिन हटके बढ़ने के बाद फिर हटके मारे कुटी मारा टांगो भाई, यू तो भुख मेरी बाड़ागा बहुत भी, जमीन खोसागा मर पद यू। मुख्यमंत्री के समय अखिलेश ने बनाऊंगा जी। योगी जी अपना दावा कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा दोबारा? नहीं जी, देखो तो जनता के ऊपर निर्भर है, योगी जी का कहे तो कुछ सारा लगना का, वो तो महात्मा है जी, महात्मा ही रहेंगे वो तो। आपके बदलाव की सरकार? अखिलेश की जी। भाई साहब युवा है, इनसे बात करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम? अच्छा नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आप? विनोद कुमार है। किसको जिता रहे गुंगो विधानसभा से? अब की बार समाजवादी सरकार बनेगी सर। जी बताइए, ऐसे समाज का ज़्यादा वोट लगता हुआ है, तो ऐसे समाज अब की बार किधर जा रहा है गुंगो विधानसभा? ऐसे समाज तो लगभग 2 जगह फटेगा सर, 2 या 3 जगह फटेगा, कुछ भाजपा भी पहुँचेगा, कुछ परसेंट नौमान पे भी जाएगा, लेकिन कुछ आजाद समाज पार्टी पे भी जाएगा, ऐसे समाज वोट। ठीक है जी।
चंद्रशेखर का क्या रहने वाला है इस बार? चंद्रशेखर यहाँ से कम 20,000 वोट लेकर जाएगा जी। बसपा से नुमान मसूद कैसे दावा कर रहे, 1,00,000 पार का नारा लगा रहे कि सारा दावा तो आप भी कर लो, मैं भी कर लूँगा दावा तो, लेकिन दावा करने से ऐसे थोड़ी हो जाएगा कुछ। फील्ड में निकलेगा आदमी तब पता लगेगा कि किसे कितनी वोट मिल रही। हम फील्ड में, हमें पता है किसे कितनी वोट मिल रही है। गंगो विधानसभा कौन जीता? गंगो विधानसभा फिलहाल के कंडीशन के हिसाब से समाजवादी सरकार या इंदर सिंह जीत रहे हैं। ये बताइए कि भाजपा सरकार दावे कर रही है और किरत सिंह भी उनके विधायक रहे हैं, दो बार चुनाव लड़ रहे हैं, कि राशन दिया 2,000 रुपये दिए, 1,000 रुपये श्रम कार्ड के माध्यम से दिए, इसका कोई लाभ हुआ मिला कि नहीं? नहीं, लाभ ही मिल रहा है। देखो जो भी सरकार आएगी अपने तरफ से करेगी कुछ ना कुछ, ठीक है जी। देखो जो जिस तरीके से तानाशाही चल रही है फिलहाल, सही बात तो ये तानाशाही चल रही है, तानाशाही नहीं होनी चाहिए शासन में। बताइए हाथरस कांड दलित लड़की के साथ में होता है, क्या कुछ दलित समाज में नाराजगी देखी जा रही सरकार के प्रति, क्या रहे? जी सर, नाराजगी है। अगर दलित समाज पे उत्पीड़न हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये देखेगा ना समाज। क्यों जी, एक गांव में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री वर्करी करने के लिए जाए तो वहाँ के दलित समाज ने उनका विरोध किया, तो क्या रहेगा? विरोध तो सर भाजपा का हो ही रहा है जगह जगह, आप कहीं भी उठा कर देख लो, हाथरस का देख लो, उन्नाव का देख लो, कहीं भी देख लो सर। मायावती ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि अगर सरकार बनने में किसी को समर्थन देना पड़ा तो मैं भाजपा को दूंगी, तो क्या रहेगा? हाँ सर, वो दे सकती है भाजपा को देगी। वो वैसे तो किसी को सपोर्ट नहीं कर पाने की, क्योंकि अखिलेश को भी देख लिया उन्होंने, लेकिन अब की बार सपोर्ट से कोई फायदा नहीं है। अब क्लियर सरकार बनने जा रही है। किसकी बन रही? समाजवादी। युवा गंगो विधानसभा से कौन जीत रहा? नुमान मसूद। नुमान मसूद गठबंधन से इंदर सेन भी है और किरत सिंह भी है भाजपा से, पहले विधायक रहे, क्या रहेगा उनको? देखते हैं क्या रहेगा सर। किस समीकरण पर जिता रहे हैं आप नुमान मसूद? वैसे ही जो नुमान पे जागे ना, लगभग 10,000 वोट जागे एससी समाज की, बाकी जो वोट है वो जागे आजाद समाज पार्टी पे। उस चीज से इफेक्ट पड़ रहा है नुमान पे, इसलिए टक्कर में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो मोमडन वोट था वो भी समाजवादी की तरफ रुख कर रहा है। भाई साहब कह रहे हैं कि 45,000 जाएगी। अजी 45 तो सारी भी नहीं पड़ती, बताइए 45? नहीं, 65,000 दलितों के उठा यहाँ से। दलितों की सारों की तो है, एससी समाज की अगर मैं बात करूँ उसमें बहुत सारे लोग हैं, खटीक है और वाल्मीकि हैं, बहुत इस तरीके कोरी हैं, इनको लगाया कहीं तो है 65,000। ये भी तो आपके समाज के हैं, आप 65 डाल लें भाई साहब, कम बता रहे हैं तुम कैसे? नहीं नहीं सर, एक है 45,000 तो पक्का है। पक्का बता, 100% नहीं होता सर। अगर 65,000 वोट है तो 42,000 वोट पड़ेगी। अगले ही बात। हाँ जी, आपका क्या नाम? अश्वनी कुमार। भाई गंगो से किसको विधायक बना रहे तुम? इंदर सेन चौधरी को। लाती से भी तो हैं, फूल से भी हैं, क्या किसी पार्टी से इंदर सेन जी को जिता के यहाँ से भेजेंगे? लाती के क्या समीकरण है, कुछ वो 1,00,000 का नारा लगा रहे? सही है, ऐसे तो सभी लगाते हैं नारा, अगर मैं इतनी वोट जीतूंगा इतनी जीतूंगा, वो तो बाद में पता चलता है ना। केतली वाले हैं आशा चंद्रशेखर से, उनके भी यहाँ प्रत्याशी मैदान में, उनका क्या रहेगा? वो नई पार्टी है अभी, देखते हैं। मैं भी अपनी वही अपनी तरफ से सभी कोशिश करते हैं, मैदान में उतरे हैं, मैं भी देखते हैं अपनी उनकी मुख्यमंत्री के अखिलेश यादव को। कहती है हमें गुंडागर्दी खत्म करिए, गुंडागर्दी किसने खत्म करी? अखिलेश यादव ने। 100 नंबर किसने दिया था? अखिलेश यादव ने। उसके बाद एम्बुलेंस सुविधा किसने लागू करी? अखिलेश यादव ने। और समाजवादी पेंशन जो गांव में महिलाएं रहती हैं, औरतें रहती हैं, उनके लिए समाजवादी पेंशन किसने दी थी? अखिलेश ने। अब मैं तो दोबारा दावा कर रहे कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो पेंशन रुकी हुई है उन्हें हम फिर से चालू कराएंगे। 300 यूनिट फ्री देने? हाँ, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। जी बताइए मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव जी। का नाम? जगपाल। अब की बार गंगो से किसको जिता रहे? चौधरी को। चौधरी जी को? हर बसपा से हाथी से भी चुनाव लड़ रहे हैं ना नुमान मसूद? हम तो सही जता रहे। और चंद्रशेखर का प्रत्याशी खड़े हैं? हाँ जी सही जता रहे, हम तो इससे दे रहे शुरू के ही। मुख्यमंत्री? अखिलेश। क्या नाम है? अजय। अजय। किसको विधायक बना रहे अपने गंगो से? जी हाथी बनागा जी, आते तो हाथी। और जो साइकिल वाले भी तो हैं यार, वो मान लो फूल वाले हैं जी, जोर तो सभी लगा है, फूल वाले भी लगा रही जी। जी फूल की भी वोट है, हाँ हत्ती की भी है, की भी है जी। फूल वालों ने कुछ काम करा नहीं है जी? फूल वालों ने करा तो जी, कम करा, इतना नहीं करा।
फूल वाले के हैं, युवाओं को रोजगार दिया, 2000 रुपए दे मिले कुछ जी। नाम राहुल जी। इसको जिता रहे हैं यहाँ से? बहन जी है, बहन जी। साइकिल से इंदर सेन भी लड़ रहे हैं चुनाव, और मान लीजिए चंद्रशेखर भी लड़ रहा है, उनका क्या रहेगा? बहन जी क्या जी, सब तैयार तो यहाँ उठ यार, बहन जी को ही मिलेगी यहाँ से। हाँ जी, और कोई नहीं, और किसी पार्टी को नहीं मिलने की। चंद्रशेखर भी तो दलित समाज से आते हैं। चंद्रशेखर को भी मिलेगी और बहन जी को मिलेगी यहाँ से, और किसी को नहीं मिलेगी यहाँ से। सीधी बात ही है। चेतन लाल जी। किसको जिता रहे था वो जी यहाँ से? साइकिल वाले ने। आती वाले भी दावा कर रहे हैं अपने? हाँ जी, हम तो यार साइकिल वाले से वोट देंगे जी, आख लिस्ट है। तू क्या कर रहे तुम साइकिल वालों को तो? हाँ जी, हम तो साइकिल वाले ने वोट देंगे जी, और उन्हें कामयाब बनाऊंगे जी। क्यों जिता रहे तुम? आज देख ले जी, लो जी, कई साल आज इसने कुछ काम नहीं करा। तो ये गिरा राशन दिया 2000 रुपए दिया तो आखिर जो है, हमारे गांव में तो कोई काम नहीं करा, हमारे गांव में जी कोई काम नहीं करा। अच्छा जो है ना जी, भी हमें जी कोई काम नहीं करा, हम तो जो जी साइकिल वाले ने देखा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हाँ, मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी बनेगा।